की शुरुआत हुई। ये अपने आप जेडीयू नाम तो उसका आपने रखा JDULive.com और ये जो डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत ये जेडीयू ने पहली बार एक पार्टी का अपना Live.com शुरू किया है। मैं इसके लिए भी अपने सभी साथियों को यहाँ पर जो इसका निर्माण करने में भूमिका निभाया, इस काम को करने में भूमिका, ये जो शुरुआत किया है JDULive.com, इसके लिए भी जो हमारे सब बैठे हुए हैं संजय झा जी, अशोक चौधरी जी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को और पार्टी के सभी नेताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि जो आज हम लोगों ने पहली बार ये काम यहां से शुरू किया है, इसके पहले तो जब आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन लागू था कोरोना वायरस के चलते, और उस बीच में भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोगों के साथ बहुत ही विमर्श किया और हर जगह की स्थिति की भी जानकारी ली, और उसके बाद फिर 24 खंड में बांट करके हर एक कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ते हुए और वहां के जितने भी हमारे साथी हैं पार्टी के सक्रिय साथी, बूथ स्तर तक का जो काम देख रहे हैं उन सब लोगों को जोड़ते हुए राज्य से लेकर के बूथ स्तर तक के सभी साथियों के साथ विभिन्न जिलों में कुल 24 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जून महीने में। तो इस सब के माध्यम से तो हम लोगों से संवाद करते रहे, लेकिन ये पहली बार पार्टी का अपना Live.com बना है और उसके माध्यम से लोगों के साथ ये आज संवाद का काम शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और नामकरण भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में कर्पूरी सभागार हुआ है। तो मुझे बहुत भीतर से प्रसन्नता है इस बात के लिए कि हमारे पार्टी के साथियों ने बहुत काम किया है और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का अवसर उपलब्ध कराया है। अब जो भी बात मुझे कहनी है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को यही कहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस का दौर चला है COVID-19, अब इसके चलते जो शुरुआत हुआ है दुनिया भर में इसका असर सब लोगों को मालूम है, और हम लोगों को तो मार्च महीने से और होली के समय से ही इस बात की ज्यादा चर्चा शुरू हुई और हम लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। और जो विधानमंडल का सत्र था उसको भी 16 तारीख को अंत में एक दिन में सारा काम करके उसको स्थगित किया गया। हम लोगों ने 13 तारीख को मीटिंग की थी मार्च में और इस पर पूरा विमर्श किया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे इस काम को किया था। एक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू 22 मार्च को हुआ था और उस दिन भी हम लोगों ने मीटिंग की थी और ये मीटिंग में तय किया था कि 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम एक सीमित इलाके में, खास करके अर्बन एरिया में, लॉकडाउन हम लागू करेंगे। लेकिन 24 तारीख को केंद्र सरकार ने घोषित किया और पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन लागू हुआ और चार हिस्से में बढ़ते बढ़ते वो मई के अंत तक चलता रहा। और उस बीच में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया, लोगों को प्रेरित किया, हमारे गांव के लोग भी प्रेरित रहे। और जो कुछ भी स्थिति आई है आप सबको मालूम है। और अब तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 चल रहा है अब ये इस समय पूरे देश में। हम लोग बिहार जो इसके लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, शुरू से ही हम लोगों ने उसका पालन किया है और उसके अलावे कभी कभी जो खास और कुछ जरूरत है तो उसका भी ख्याल हम लोगों ने रखा और एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, पूरी तरह लागू किया। और अब जान लीजिए, हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा कि इसके लिए जांच होना चाहिए पूरे तौर पर। हम लोगों ने शुरू से कहा कि जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी है, इसके लिए सबका जांच होना चाहिए। सब लोगों को सचेत रहने के लिए हम लोगों ने प्रेरित करने की कोशिश हमेशा की और जो जांच हुआ, आप जान लीजिए अब बिहार में
कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको, हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10,00,000 की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई, 10,00,000 की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख लीजिए, यहां कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका तीन है, एक है आरटीपीसीआर। अब आरटीपीसीआर के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया, तो भारत सरकार से 10 आरटीपीसीआर मशीनें मिलने वाली है, तथा एक जो और है कोबास 8,800, कोबास 8,800 एक मशीन है, वो अमेरिका का है। और जानते हैं उस एक मशीन से एक दिन में 3600 जांच होती है, और वो आ रहा है इंडिया में। तो हम लोगों ने आग्रह किया एक दिन, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया था, तो उसमें तो हमने कहा था कि हम लोगों को कम से कम 2 दीजिए, लेकिन मुझे खुशी है कि 1 देने का निर्णय हो गया। तो यानी केंद्र सरकार की तरफ से 10 आरटीपीसीआर और 1 कोबास 8,800 हम लोगों को मिलने वाला है, और राज्य सरकार इसके अलावे, यानी जो हम बता रहे हैं 11,350 जो जांच चल रही है उसके अलावे की बात हम ये बता रहे हैं, अब उसके आगे राज्य सरकार 10 आरटीपीसीआर मशीन खरीद रही है, और जैसा हमने बताया केंद्र से भी 10 आरटीपीसीआर मिलेगा और 1 कोबास 8,800 वो मिलेगा। तो ये जान लीजिए इसको लेकर के, हमारे यहां आरटीपीसीआर के अंतर्गत जांच की क्षमता हो जाएगी 23,350। और उसके अलावे एक दूसरी मशीन है ट्रूनेट मशीन, अब उस ट्रूनेट मशीन के माध्यम से जांच की क्षमता आज ही हमारे यहां 4,400 की है। और उसके अलावे जो सबसे ज्यादा जांच हो रहा है वो हो रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और यह जो एंटीजन टेस्ट है मात्र 15 मिनट में यह पूरा होता है, आरटीपीसीआर में तो 6 घंटा से भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह 15 मिनट में पूरा होता है। और इसका जो पॉजिटिव है वो पक्का है, और ट्रूनेट मशीन से जो निगेटिव आता है वो भी बहुत पक्का है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर क्या किया, हम लोगों ने जो प्रखंड स्तर पर हम लोगों का स्तर है, जो अस्पताल है, उन सब जगहों पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और जिसकी तबीयत खराब है, जो कुछ हम लोग डॉक्टर या लोग उसको जांच करें वो तो है ही, और ये कर दिया है कि लोग अपनी इच्छा से जांच कराएं, जिनको भी मन करे वो जांच कराएं। तब उसका नतीजा हो गया, आप जान रहे हैं 1,50,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच हो रही है। तो ये सब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और निजी चिकित्सा संस्थानों को और प्रयोगशालाओं को भी यह सब सुविधा दी जा रही है। तो अब इसके अलावे और जो इलाज है, इसके लिए 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। एक तो किसी की तबीयत खराब होती है उनको होम आइसोलेशन में भी कहा जाता है रहिए, वो तो घर में, लेकिन जो होम आइसोलेशन के बाहर रह करके जिनको इलाज के लिए जाना पड़ सकता है, तो 3 तरह की सुविधा है, कोविड केयर सेंटर, दूसरा है कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में जो सबसे कम जिसकी तबीयत पर असर रहता है उसके ऊपर कोविड हेल्थ सेंटर, और उसके ऊपर जो सबसे अधिक खराब स्थिति में होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल,
इसका निर्माण करके इसकी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन मुक्त बेड हैं, आईसीयू है, वेंटिलेटर का इंतजाम है, जितना इंतजाम किया है उतना अभी सबके यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्थिति हम बता देना चाहते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ कौन प्रचारित करता है, मैं उन सब लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन आज लोगों के बीच में कहने का मौका मिला और हम लोग तो नियमित रूप से, आज की मीटिंग है और आज ही हमारा आफ्टरनून में दोपहर के बाद हमारी जो मीटिंग है उसमें पूरे के पूरे कोरोना की स्थिति पर क्या अद्यतन स्थिति है, कहां क्या है और सारे जिलों का अस्पतालों के साथ आज हम बैठ करके कई घंटा उसकी चर्चा और मीटिंग करने वाले हैं। तो एक एक चीज पर काम हो रहा है प्रतिदिन, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर डिपार्टमेंट का काम सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और होम आइसोलेशन का जो सलाह दिया जाता है उसमें भी इंतजाम किया गया है, मेडिकल किट जिसमें दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट दिए जाते हैं, डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है और कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, यानी होम आइसोलेशन में भी रहते हैं। और आपको मालूम है कि अब जो समूचे दुनिया में कोरोना का प्रभाव है, फैला है, बढ़ रहा है, कई जगह भी दिल्ली में घटा था फिर बढ़ने लगा है, ये सब सारी स्थिति जो हुई है, आज बिहार की स्थिति हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने लोग कोरोना के शिकार हुए उसमें फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। अब जितने लोग कोरोना की से पीड़ित हुए उसमें ठीक होने वाले का प्रतिशत हो गया 88.24%। और आप सबको मालूम कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से, उन लोगों को हम लोगों ने मदद देने का भी फैसला किया है और 4 लाख रुपया उनके परिजनों को हम लोग मदद करते हैं। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं लोग, और स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं उनका मनोबल बना रहे इसके लिए उनको अतिरिक्त 1 माह का तनख्वाह वगैरह का पूरा प्रोत्साहन राशि देने का, समतुल्य वेतन देने का निर्णय लिया गया। और अगर कर्तव्य के दौरान हमारे कोई स्वास्थ्य, चाहे डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, इनकी अगर मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी, अथवा अगर जो नौकरी नहीं चाहेगा तो सभी संबंधित कर्मी को रिटायरमेंट तिथि तक, जो इनका पे स्केल था स्वास्थ्य कर्मी का, वो रिटायरमेंट के स्टेज तक जो चलता वही दिया जाएगा, आज का पे वो हर किसी को उसके बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी हर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की सुविधा दी गई। तो एक एक चीज के लिए काम। और जो लॉकडाउन जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे उनके साथ संपर्क करने का हम लोगों ने जो प्रबंध किया, लाखों लोगों के साथ बातचीत, और हम लोगों ने तय किया था, ये आप सबको मालूम है कि जो हमारे बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं मजदूर लोग, उनको हम लोग 1,000 रुपये की सहायता जरूर देंगे। और आपको मालूम है 20,95,000 लोगों को राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से हम लोगों ने 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान की थी। और उसके बाद वो तो कम नियम बना हुआ था, कोई चल नहीं सकता है, कोई किसी तरह से आ जाता था, वो अलग बात है। और जब अप्रैल महीने में हम लोगों ने कहा कि भाई आना चाहते हैं तो आने का प्रबंध होना चाहिए, ट्रेन भी चलाया गया और उसमें कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, और उसमें हम लोगों ने क्या तय किया था कि जो लोग अधिक संक्रमण वाले शहरों से, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, उन जगहों से जो आए, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र जो बनाया था, क्वारंटाइन केंद्र में रखा 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन केंद्र,
बाकी लोग जो आए उनकी वैसी स्थिति नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन के लिए जो भी व्यवस्था थी सबके लिए हम लोगों ने मदद किया। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की सहायता, और जान लीजिए कि जो क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए 14 दिन, एक व्यक्ति पर जो बाहर से आए 15 लाख से भी ज्यादा, एक व्यक्ति पर राज्य सरकार की तरफ से जो ये क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया उनको सब तरह की सुविधा दी गई, एक एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5,300 रुपया खर्च किया गया। लोगों को पता है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूं, मेरी आदत नहीं, मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते हैं। एक एक काम करवाया गया, और लॉकडाउन के दौरान तो मदद किया ही गया सब लोगों को। जितने राशन कार्डधारी हैं उनको भी 1,000 रुपये की प्रति परिवार को हम लोगों ने मदद की, और केंद्र सरकार ने सब लोगों को क्या मदद किया, हर व्यक्ति हर परिवार में एक एक व्यक्ति को 5 किलो जो मिलता है राशन कार्ड से, उसके अलावे मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल या चना, ये उपलब्ध कराया गया सब लोगों को। और मुझे खुशी है केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया और ये सुविधा नवंबर तक देने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। तो एक एक कौन कौन मदद नहीं दी जा रही है एक एक प्रकार से, और यहां पर जो हम लोगों ने 1,000 रुपये की मदद की राशन कार्ड धारियों को, आप जान लीजिए 1,640 करोड़ रुपया हम लोगों ने वितरित किया बिहार के अंदर, और जिनको राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी, और उनका राशन कार्ड बनवाने के लिए जो काम हम लोगों ने करवाया पूरे तौर पर, उससे वंचित परिवारों के लिए हर प्रकार से, जैसे जीविका की दीदियों के माध्यम से ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से, और उसके अलावे जिनका अगर एप्लीकेशन था रिजेक्ट किया गया उस पर पुनर्विचार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया। और ये सब करते हुए बिहार में अब तक 23,38,000 वंचित परिवारों को राशन कार्ड वितरित कर दिया गया और उनको ये उपलब्ध किया जा रहा सारी सुविधाएं। अब आप बताइए, इसके बाद भी जो हमने कह दिया है कि कोई भी वंचित रहेगा उसको एक एक प्रकार से देख करके हर तरह से, और इसमें भी दिया है। अब आप जानते हैं कि अब जो वितरण किया जाता है तो पॉस के माध्यम से, तो पॉस जो है अब उसमें जो कई लोग हैं, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके उंगलियों में निशान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि पॉस से देना तो उपयोगी है, जरूरी है, उससे दुरुपयोग नहीं होगा। जो कोई को भी जिम्मेवारी दी जाती है, सही में जब पॉस के माध्यम से होगा तो सही लोगों को मिलेगा, लेकिन जिसके उंगली में निशान नहीं है वो पॉस का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि वैसे लोगों को सबसे पहले प्रति माह जो राशन कार्ड वितरित किया जाता है, सबसे पहले उनको पॉस से अलग वितरित करिए, इसके बाद बाकी लोगों को पॉस के उपयोग से इसको वितरित कीजिए। तो एक एक चीज में हर तरह से, और जो विद्यालयों में के बंद होने के कारण मैट्रिक और इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोदित करने का निर्णय लिया गया। कौन सी चीज नहीं, जो हम लोग मिड डे मील जो चलाते थे, अब जानते हैं अब स्कूल नहीं चल रहा तो मिड डे मील तो वहां बन नहीं रहा, तो हम लोगों ने क्या तय किया, हर लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हम राशि देंगे, और राशि दे रहे हैं, ये राज्य सरकार का खर्च है, केंद्र की योजना तो अलग है मिड डे मील का, लेकिन अब चूंकि मिड डे मील स्कूल बंद है नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए हर छात्र छात्राओं के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, और वो राशि राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के खजाने से दिया जा रहा है। जरा इन सब बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए,
मैं इतना जरूर कहूंगा, और आप सबको मालूम है कि दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही, ये सब काम किया गया। आप एक हम अपील करेंगे जो हमेशा करते हैं कि भाई ये सब काम तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे अपील करेंगे, अब इस वर्ष चुनाव होने वाला है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम समय पर चुनाव कराएंगे, अब चुनाव होने वाला है, तो एक एक चीज के लिए और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। हम लोगों ने इस बात को कहा है, अब ये नहीं कि संख्या घट गई तो आप भूल जाइए, ये गलत है। हम भी कई जगहों पर जाते हैं, देखते हैं, बीच में तो हम देख रहे थे कि लोग सब मास्क पहन रहे थे, बीच में हमने देखा कि एक जगह मास्क नहीं पहन रहे, हमने रुक करके लोगों को कहा, और कहा हमने डीएम वगैरह को कि मास्क का वितरण तुरंत कराइए। तो ये सब काम तो ठीक है, लेकिन लोगों को तो प्रेरित करना चाहिए। हम सब लोग कहेंगे मेरी बात सुन रहे हैं तो इतना बात जरूर करिएगा, न सिर्फ खुद ध्यान दीजिए बल्कि लोगों को भी प्रेरित करिए। वो क्या है, घर से निकलते हैं मास्क का प्रयोग करिए, आप मिलते जुलते हैं तो आपस में एक दूरी दो गज की रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करिए, हाथ को बराबर साफ करते रहिए, ये काम हमेशा आप करते रहिए। और बात एक और है जो हम हमेशा कहते हैं, भाई अगर घर में किन्हीं की उम्र 65 साल से अधिक है, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां, और इसके अलावे कोई अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसे चार प्रकार के लोगों को अकारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई जरूरी काम है, इलाज के लिए जाना है तो जाइए, वरना कोशिश करिए कि घर में रहने की कोशिश करिए, यह बहुत जरूरी है और यह आवश्यक है। इसलिए हम सब लोगों से कहेंगे कि भाई ये तो अब कोरोना की क्या स्थिति है, दुनिया भर में इस पर अनुसंधान चल रहा है, कैसे क्या किया जाएगा वो तो बात की चीज, और अभी कोई नहीं जानता। हमने अभी बता दिया कि भाई दिल्ली में नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा, अभी आप समझ लीजिए कि अभी कौन जानता है इसके बारे में भाई। इसलिए वैसी स्थिति में आज यहां कम रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके बाद भी कभी भी जो इसके लिए भयभीत नहीं रहना है, लेकिन सजग और सचेत रहना, तो वो काम को जरूर करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से कि भाई इस बात का पालन करिए, खुद भी पालन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसका पालन करने के लिए, ये हम आग्रह आप सब लोगों से कहेंगे। इसी से सजग और सचेत होने से ही मुक्ति पाई जा सकती है। अब कोरोना वायरस का संक्रमण का जो दौर है, केंद्र सरकार की भी सहायता मिल रही है, राज्य के सभी जिसका हमने जिक्र कर दिया, राशन कार्डियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है, जो हमने कहा 5 किलो प्रति व्यक्ति को, और परिवार में 1 किलो दाल या चना, और अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो प्रति सदस्य के दर से चावल और 1 किलो प्रति परिवार के दर से चना का मई और जून में मुफ्त में वितरण किया गया, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब जो दूसरा चीज जो शुरू किया है, गैस सिलेंडर, जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई गांव में गरीबों को गैस सिलेंडर देने की, अब ये जो गैस सिलेंडर लोगों के पास है, तो केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि 3 महीने तक ये प्रति महीने 1 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, अब वह भी दिया जा रहा है, और 80 लाख परिवारों को बिहार में इसका लाभ मिला। तो ये सब काम चल रहा, और फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने जो भी बाहर जिनके लोग काम करते थे और जो वापस आए हैं उनको, ऐसे 6 राज्यों के 116 जिलों में, जिन जिलों में 25,000 से ज्यादा लोग बाहर से लौट करके आए हैं, वैसे जिलों का चयन करके केंद्र सरकार ने इसके बारे में निर्णय लिया कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। और आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत में इसकी शुरुआत की गई। और आप जानते हैं इस पंचायत में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 5 करोड़ 63 लाख रुपया एक पंचायत में,
उस 5,63,00,000 रुपए में 2,65,00,000 रुपया राज्य सरकार का अंशदान है और बाकी केंद्र का, ये काम की शुरुआत कराई गई। और जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी शुरुआत हो रही थी, इसलिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उस पंचायत में हम लोगों ने 1,91,00,000 रुपए की राज्य योजना, पंचायत सरकार भवन बनाना और ग्रामीण पथ स्कीम, यानी पंचायत सरकार भवन के लिए 1,25,00,000, ग्रामीण पथ स्कीम के लिए 66,00,000 रुपए का उन्हीं से उसी अवसर पर शुभारंभ भी करवा दिया गया। और बिहार के, ये देश भर के 6 राज्यों में 116 जिले, लेकिन ये केंद्र की जो योजना है इसका लाभ बिहार के 32 जिले में इस अभियान से लोगों को लाभ इसका मिलना है। तो इसके लिए बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम। और आपको मैं बता देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के जांच के बारे में तो हम बता दिए कि आएगा, इलाज के बारे में भी सहायता दी है, अनेक प्रकार की सहायता दी गई है। इसलिए इन सब चीजों के अलावे और एक चीज और है, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो जांच के बारे में तो हम बता दिए। अब केंद्र सरकार तो इसके लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल, इसके कोरोना के इलाज के लिए 2 हॉस्पिटल की सुविधा केंद्र सरकार करने जा रही, एक तो बिहटा में पटना में और दूसरा मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के निकट पताही में। ये दोनों जगह 500-500 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार बना रही। कल के समय अगर ये बढ़ेगा तो और जो राज्य में पहले से है और हम लोग कर रहे हैं उसके अलावे केंद्र की तरफ से भी यह सहयोग मिलेगा। इसलिए ये सब काम हो रहा है, काफी उपयोगी हो जाएगा। जो कल होकर के अगर कोई और संकट ये बढ़ेगा तो हर प्रकार का जांच का भी, इलाज का भी, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी दवा चाहिए, उस सब का इंतजाम किया जा रहा राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा। तो आप जान लीजिए अब, और कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में प्रारंभ से ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया। आजकल तो बोलने वाला लोग कुछ भी बोलता, हमारे साथियों ने बोला, कई लोग कुछ बोलेगा कि काम नहीं, क्या नहीं, अरे किसी चीज की जानकारी है क्या किया जा रहा है और कितने लोगों को काम मिल रहा है, इसके लिए विशेष पर ध्यान दिया गया है। और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 5,60,246 योजनाओं में विभिन्न गांव के स्तर पर 5,60,246 योजनाओं में 14,71,50,481 मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब आप देख लीजिए, अप्रैल महीने से जब से काम शुरू किया गया, कुछ की लोगों को काम मिलना चाहिए नहीं तो कैसे रहेंगे, ये शुरू हुआ, कोई 20 अप्रैल से शुरू हुआ, कोई इसके थोड़ा पहले से हम लोगों ने शुरू कराया, कुछ मनरेगा का भी काम शुरू हुआ और अन्य प्रकार से जो काम शुरू हुआ। तो आप जान लीजिए कि औसतन प्रतिदिन लगभग 10,00,000 लोगों को काम मिल रहा। तो अपनी तरफ से तो जो भी संभव है और उन सब चीजों के लिए, और जो बाहर से लौटे हैं रोजगार सृजन के लिए भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, जो वापस लौटे हैं अन्य राज्यों से लौटे इच्छुक मजदूरों को हर जिले में हम लोगों ने जो यहां बनाया हुआ जिला निबंधन और परामर्श केंद्र, आपको मालूम है 7 निश्चय के अंतर्गत जो बनाया था, उसी में एक एक आदमी को बुला करके ट्रेनिंग देना, उनसे परामर्श लेना, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसमें 1,64,153 लोगों का निबंधन किया गया और राज्य की विभिन्न योजनाओं से 53,452 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अब आप जान लीजिए, हर जिले में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना हेतु 50-50,00,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुल 192 समूहों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है और इसमें आप जान लीजिए कि अभी तक कुल 25 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया और अन्य सभी समूहों में अगले 15 दिनों के अंदर उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमको कहीं जाकर के देखने का भी मौका मिला। तो भाई इतना तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तरह से काम हो। और आप जान लीजिए कि हम लोग अपने कानून में जो हमारा रोजगार देने के लिए
हम लोगों ने नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की है, लोगों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार से इसमें और अधिक किया जा रहा है। राज्य के लोक उपक्रम जो PSU है उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर विकास किया जा रहा है, इसमें कुल 77 क्लस्टर समूह को चिन्हित किया गया है। कृषि आधारित उद्योगों, कास्ट आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाई गई है। औद्योगिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी इसमें दिया जाएगा, जो हम लोगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान है, कैपिटल सब्सिडी भी इन लोगों को देने का प्रावधान किया है। इससे बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलना प्रारंभ हुए हैं और लोगों को मिलने लगेंगे, और जो बाहर से लौटे थे मजदूर लोग उसमें से जान लीजिए 2,30,908 परिवारों को जीविका समूहों से भी जोड़ा गया, अब जीविका समूहों के माध्यम से भी काम करें। तो किस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसका एक हिस्सा कि किस तरह से लोगों के लिए यहां पर काम किया जा रहा, तो हर तरह से इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, ये जो संकट है ये दुनिया भर का संकट, हम लोगों को अपने राज्य में भी सजग रहना, नीचे जा रहा कोई नहीं जानता कल क्या होगा, उसके लिए पूरी तैयारी है। और सबसे यही कहेंगे जो हमने आग्रह किया, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप जान लीजिए, ये कोरोना का तो एक दौर चल ही रहा, अब उसके चलते आर्थिक संकट तो बढ़ता ही चला जा रहा, पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा। अब जो बाढ़ वगैरह की क्या स्थिति, और पिछले साल तो देख रहे थे ना, हम तो 19 से ही शुरू कराए जल जीवन हरियाली अभियान, उस पर हम चर्चा बाद में आएंगे करेंगे, लेकिन आप बताइए क्या हुआ था पिछले साल भी, क्या हुआ, पहले बाढ़ आ गई, फिर सूखा आ गया, फिर बाढ़ आ गया खरीफ का, फिर रबी के टाइम में क्या हो गया, कितनी वर्षा हो गई, कितने तरह का नुकसान हो गया, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, आप सब जानते हैं, और सबके लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर इंतजाम किया। और इस बार आप देख लीजिए जून के बाद से ही मार्च में काफी जिलों में, 16 जिले हमारे प्रभावित हुए, 83 लाख से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित है, ये जो बाढ़ का प्रभाव हुआ उसके लिए हम लोग सब तरह से काम कर रहे हैं। और क्या किया, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने राहत पैकेट भी पहुंचाया, जिससे मैं तत्काल तुरंत आया था, आने जाने का रास्ता नहीं, लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया 5 लाख से भी ज्यादा लोगों, और उसके लिए राहत केंद्र हम लोगों ने चलाया, सामुदायिक रसोई केंद्र चलाया। और आपको मालूम है सामुदायिक रसोई केंद्र में इन प्रभावित इलाकों में एक दिन में पूरे बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोग भोजन कर रहे थे। और हमने क्या तय किया था, जो हमारा राहत केंद्र है और ये सामुदायिक रसोई केंद्र है, इसमें जो लोग भी आएंगे सबका कोरोना का जांच कराया जाए, क्योंकि अगर कोरोना का जांच नहीं कराएंगे तो अगर एक आदमी कोरोना से पीड़ित रहेगा बाकी लोगों पर असर पड़ जाएगा, चाहे साथ रहने का सवाल हो या साथ में भोजन करने का सवाल हो, एक दूरी बना करके सब कुछ किया गया और सबका जांच कराया गया। कई लोग उसमें से निकले, उनको इलाज के लिए अन्य जगह पर भेजा गया, लेकिन लोगों को बचाया गया, वरना बाढ़ से भी प्रभावित थे और फिर बड़ी संख्या में लोग कोरोना की बीमारी से प्रभावित हो जाते। तो लोगों को तो कुछ पता रहता नहीं है कि एक एक चीज पर कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं, और कितने लोगों को, और अभी तो खैर अब बहुत कम गया, अब तो रसोई केंद्र भी बहुत कम हो गया है, अब तो 22,000 लोग भोजन कर रहे हैं जो पहले था, धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही। और हम लोगों का क्या है भाई, आप जरा बता दीजिए, आपदा राहत में पहले क्या करते थे, पहले कुछ होता था क्या, किसी को मिलता था कुछ? और आज आप बताइए, हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला 2006 से हमने इस पर काम किया, एक एक चीज के लिए SOP बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कब किस परिस्थिति में क्या काम करना। और 2007 में जो कितना जिला प्रभावित हुआ था, 22-23 जिला प्रभावित हुआ था, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हो गई थी, उनके लिए काम किया। और किस तरह से हम लोग
जब बांटना शुरू किए एक एक क्विंटल अनाज लोगों के लिए और बाकी चीज बर्तन के लिए और कपड़ा के लिए तो अलग है, जब एक एक क्विंटल अनाज बांटने लगे हम लोग, तो जब हम गए दरभंगा इलाके में तो हम देखे आवाज उधर से सुने कि हमको क्विंटलिया बाबा बोल रहे हैं। अब आप बता दीजिए क्या पहले कुछ मिलता था? अगर पहले लोगों को कोई राहत मिलती तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा? ये पहली बार शुरुआत कराई गई। नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात याद रखना चाहिए, समय तो बीतते जाता है, हर पल हर क्षण ये बीत रहा है, लेकिन जो काम पहले नहीं होता था हम लोगों ने आपदा राहत के लिए जो काम शुरू किया और मालूम है उसके बाद हमने कर दिया अनाज के लिए और उसके अलावे कपड़ा के लिए और बर्तन के लिए, यानी 3,000 रुपया अनाज के लिए और 3,000 रुपया कपड़ा और बर्तन के लिए, यानी 6,000 रुपया प्रति परिवार पीड़ित परिवार को ग्रेचुटस रिलीफ देना शुरू किए। और जो शुरू से हम कर रहे हैं आप लोगों को हम बताएं कितने लोगों को इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। अब आप समझ लीजिए कि अभी कल तक का जो अभी जितने लोग हमने बताया 83 लाख लोग पीड़ित थे, इसमें से जो हम लोग बांट रहे हैं कल तक का 6 सितंबर के कल दोपहर बाद तक का जो फिगर मेरे पास आता है शाम में, उसके हिसाब से 6 सितंबर 2020 तक 16,62,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपये की दर से 997,50,00,000 रुपया उनके राशि उनके खातों में पहुंचा दी गई। अब उनके खाते में हम लोग पहुंचा देते हैं और शेष प्रभावित परिवारों को भी बहुत जल्दी, जो अब कुछ ही लोग बचे हैं उनको भी अनुग्रह सहाय की राशि यानी ग्रेचुटी स्लिप उनके खातों में दे दी जाएगी। आप सोच लीजिए, फसल क्षति का भी आकलन करा लिया गया। हम लोग सिर्फ ग्रेचुटी रिलीफ नहीं देते बल्कि फसल क्षति के लिए जो हम सहायता देते हैं आकलन करा करके, कृषि इनपुट अनुदान देते हैं, और जो फसल का नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा योजना की जगह पर बिहार में हम लोगों ने शुरू कर दिया फसल सहायता योजना, उसके अंतर्गत लाभ देते हैं। कितना लाभ देते हैं? पिछले साल का लाभ दिया, इस साल भी पूरा आकलन हो रहा है रबी वाला, उसका लाभ पहुंचा देंगे, और अभी जो बाढ़ से इधर जो प्रभावित हुए हैं लोग, इसमें सबको लाभ पहुंचाया जाएगा। एक एक चीज की बात आप समझ लीजिए। और इस वर्ष हम आप लोगों को बता देते हैं कि फरवरी मार्च और अप्रैल में जो ओलावृष्टि और वर्षापात के कारण जो नुकसान हुआ, इसमें कुल 18,39,666 किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा सका। अब उसके बाद किसी में शेष नहीं, हमने पैसा का आवंटन ज्यादा कर दिया था, एक बार में कर दिया था हमने करीब करीब, पहले 60 करोड़ किया, दूसरी बार 518 करोड़ किया, तीसरी बार 152 करोड़ किया, यानी 730 करोड़ रुपए का हम लोगों ने आवंटन कर दिया था। लेकिन जो पूरे लोग प्रभावित थे उनको जो वितरित किया गया तो उसमें कुल संख्या जो हमने बता दी उसको उतनी जरूरत थी। अब कोई भी आवेदन शेष नहीं है। फसल सहायता योजना के अंतर्गत भी आप जानते हैं कि हम लोग जो मदद करते हैं 20% से अगर नीचे आ जाता है कमी, कम तक की कमी होगा तो 75,000 रुपया, और 20% से अधिक की कमी होगी तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हम लोग फसल सहायता योजना देते हैं। तो ये काम के लिए भी हर समय हम लोग तैयार रहते, हर बार देते रहते, इस बार भी एक एक चीज का आकलन किया जाता है और किया जा रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए आपदा प्रबंधन का जो काम हम लोगों ने शुरू किया है जिसका जिक्र हमने किया, कहां पहले करते थे, और हमने तो शुरू से ही कह दिया लोगों को, जो अधिकारी लोग थे सब लोगों को होता था कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो हमने कह दिया था कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, तो सरकार के खजाने में जितना पैसा है अगर कहीं से आपदा आती है तो जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उन्हीं को सबसे पहले हम मदद करेंगे, सबसे पहला अधिकार है। ये तब से चल रहा, 2007 से चल रहा, कितना मदद किया है हम लोगों ने, कितना मदद किया है सुनना चाहते हैं हम, जरा बता दें क्या क्या नहीं हुआ था। कोसी आपदा आई तो कितना हम लोगों ने किया,
जो मदद किया मदद किया, आज तक इस देश में कहीं किया है जो कोसी आपदा में हम लोगों ने किया? एक एक राहत केंद्र में 10-10 हजार लोगों तक को भी रख करके हम लोगों ने सब काम किया। 5 हजार सबको देखने जाते थे, और सारा काम जो शुरू कराया और उसके बाद जितना नुकसान हुआ उस नुकसान के समाधान के लिए हमने कह दिया था कि कोसी का उत्थान जरूरी है उस पूरे इलाके में जो कमिश्नरी है, और उसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के विश्व बैंक से सारा काम किया। बहुत सारे काम हुए हैं और काम उसके आगे भी कुछ चल रहा है, लेकिन एक एक चीज किया गया। अगर आप देख लीजिए सिर्फ यही जो हमने 6000 किया 16-17 में, और बात का छोड़ दीजिए, अभी इधर का सुन लीजिए 16-17 में। 16 में क्या हुआ था? गंगा नदी में बहुत पानी आया तो गंगा नदी के किनारे वाले सारे जिले प्रभावित हो गए, 12 जिले। अब आप समझ लीजिए कि इनके निकटवर्ती जिलों में बाढ़ राहत में यानी ये ग्रेचुटस रिलीफ में हम लोगों ने वितरित किया था 908 करोड़ 59 लाख रुपया। 17-18 में पूरे उत्तर बिहार में जो भीषण बाढ़ आई उसमें हम लोगों ने ग्रेचुटस रिलीफ में वितरित किया परिवारों को 2285 करोड़ 88 लाख रुपया। 19-20 में जुलाई में बाढ़, फिर सूखा, अंत में सितंबर में आई भीषण बाढ़ पर प्रभावित परिवारों को 1980 करोड़ 77 लाख रुपया, और तत्काल सहायता के रूप में जो सूखा पीड़ित इलाका था उसमें जीआर तो नहीं कहा जाता लेकिन हम लोगों ने तत्काल सहायता में प्रति परिवार 3000 रुपया भी दिया, उसमें 332 करोड़ 81 लाख रुपए का वो हम लोगों ने वितरण किया। तो आप समझ लीजिए, और इस साल तो 997 करोड़ 50 लाख 52 लाख रुपया के बारे में हमने बता दिया, उसका वितरण किया जा चुका है। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो इतना हम जरूर कहना चाहते हैं जो हमने कहा है, सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, हम पूरी मदद करते हैं, और उसके लिए जो काम नुकसान होता है, अब बिहार में तो हर बार होना है, हर साल होना है, नेपाल से आता है, बिहार में कुछ है, नेपाल से पानी आता है, कुछ पानी यूपी से आएगा, कई चीजें तो मध्य प्रदेश से भी पानी आ करके और उत्तर प्रदेश का भी पानी आ करके जो सोन नदी पर असर होता है, तो कई प्रकार का जो हिसाब है असर होता है, बाहर से कितना बुरी तरह असर होता है, और हर प्रकार से लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन साथ साथ जो सिंचाई से संबंधित जो काम जो प्रभावित होता है उसको भी दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं, और उसको बेहतर, हमारे अभी संजय झा जी बोल रहे थे उसके लिए भी काम करते हैं, अगर सड़कें टूटती हैं उसको भी बनाते हैं, लेकिन कितना रुपया लगता है, और हर बार हम लोग ये काम करते रहते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों के बारे में जो कोरोना की एक स्थिति है और दूसरा जो आपदा की स्थिति है इसके चलते, बाढ़ के चलते, इस सब के लिए हम लोग निरंतर तैयार हैं। हम लोगों को इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी जरूरी काम है लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सहायता के लिए, वो हम लोग करते रहे हैं, और जब तक आपने काम करने का मौका दिया तब तक करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और आज हम लोगों का दायित्व है, अभी कुछ महीने और हम लोगों का इसी कार्यकाल में दायित्व है, इसलिए हम इस दायित्व को निभाते हैं पूरे तौर पर। और अब इसके बाद आइए, अब जो लोग बहुत तरह की बात करते रहते हैं, अब क्या हुआ है जब से काम करने का मौका मिला है, अब आते हैं हम अब अन्य बातों पर। ये दो जो अभी के लिए है, एक विशेष आपदा की स्थिति उस पर हमने चर्चा कर दी, अब इसके बाद क्या है भाई, क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल, और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज, क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की, क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है, सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी, अब आज क्या स्थिति हो गई है जरा बताइए, कौन सी स्थिति है। हर प्रकार से हम लोगों ने किया, और जैसे ही काम करने का मौका मिला इस पर तो ध्यान दिया ही,
कि हर हालत में हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों को पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह, कुछ कोई गवाह देने के लिए निकल पाता था, जी क्या स्थिति हुई। हम तो इस बात को नहीं भूल सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के अन्य लोगों ने मिलकर के और राज्य सरकार के बीच में जो चर्चा हुई, जिसमें जो क्राइम और इन सब चीजों से रिलेटेड मामला या करप्शन से रिलेटेड मामला से संबंधित मामला था, उस पर कितना तेजी से ट्रायल चलाने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ, लोग गवाही देने लगे, भागते थे गवाही देने से। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे, कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं, आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं, कैसे चलते थे, कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए क्या था। मैं तो सबको कहूंगा कि पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। आजकल तो एक एक चीज चल रहा है, सोशल मीडिया का तो दो हिस्सा है, एक सही मायने में पॉजिटिव होता है, सब चीज को जानकारी, एक एक चीज की सुविधा, और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग, बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं, जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी, कोई ना कोई बहाले ना है तो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए, और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे, एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने, उसके बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करेंगे। लोग तो यही सब करते रहते, क्या क्या नहीं करते रहते, लेकिन क्या स्थिति है, क्राइम की जो स्थिति पहले थी आज वो है क्या, आप जरा सा बता दीजिए। हर बार और हम लोगों ने जो ट्रायल से लेकर के एक एक काम करवाया, जांच वगैरह का सबका काम करवाया, और आपको मालूम है इन लोगों की स्थिति थी क्या, था नक्सलिज्म का भी जी, कौन सी स्थिति थी, हमने क्या किया 2006, हम लोगों ने 65 पंचायतों का चयन करवाया, आपकी सरकार आपके द्वार, और जो सबसे प्रभावित उस तरह का इलाका था, पंचायत था, उन सभी पंचायतों में जाकर के एक एक ट्रेनिंग से लेकर के उस गांव के विकास का एक एक काम करवाया। और जब उसके लिए और सब काम किया गया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे जिनको अधिकार दिया गया, तब जाकर के क्या स्थिति हो गई है, कितनी स्थिति बेहतर हुई, और जो क्राइम करते थे उनकी गिरफ्तारी और फिर ट्रायल, उसके चलते ये सब चीज घटा। इसलिए अब पहले कैसी स्थिति है, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनाया हर तरह से। कहां करते थे जी, अरे वोट जिसका चाहे मिल जाए, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जरा बता दीजिए कि पहले क्या हुआ था, क्या स्थिति रहती थी लोगों की। और हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इंप्रूव की। अगर आप बताइए, आप जरा एक बात देख लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश का, हर एक राज्य का, कि कहां कितना कौन सा क्राइम हुआ है, उसके बारे में फिगर निकलता है। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है, 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए, राष्ट्रीय औसत दर देश भर का, नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है, 383.5 है,
देश में औसत 1 लाख की आबादी पर और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1। यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए, इंसिडेंट होता, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे, हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद, 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती। और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने का, सर्वे सेटलमेंट के लिए, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब आप समझ लीजिए, ये जो हमने अपराध के बारे में आपको बता दिया 23वां स्थान, अभी जान लीजिए कि महिला अपराध में लोग इधर उधर प्रकाशित करते हैं, देश में बिहार का स्थान है 29वां महिलाओं के अपराध में, बलात्कार में देश का जो एवरेज है उस हिसाब से जो होता है बिहार का स्थान है 33वां और सामान्य अपहरण में तो 23वां, मैंने हम बता दिया आपको। तो एक एक चीज, गृह भेदन, घर के दीवार दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाना 19वां, लूट में 29वां, लूट में 19वां, डकैती में 16वां, तो इस प्रकार से, और हत्या में 11वां। तो ये स्थिति है बिहार की। और हम आपने बताया कि हर तरह से हम लोग जो काम करते हैं और समाज में सद्भावना के लिए हम लोगों ने जो पूरी की पूरी बात कही है और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 60% भूमि विवाद के चलते ये सब होता है, बहुत सारे खास करके मर्डर से संबंधित मामले आपस में, तो उसके लिए जो हमने आपको बता दिया, सर्वे सेटलमेंट का काम तो कर ही रहे हैं और हाल ही में एरियल सर्वे हो चुका, ग्राउंड ट्रूथिंग का काम हो रहा और इसके लिए 6,308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, ये भी काम हम करेंगे। जब नया सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा तो डिस्प्यूट कम से कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आपस में परिवार का जो बंटवारा लोग नहीं करते थे, क्योंकि जो जमीन का दाम है उसका 8% रजिस्ट्रेशन में लगता था, और हम लोगों ने क्या नियम बना दिया कि घर का जो बंटवारा करिएगा आपस में तो उसमें मात्र 100 रुपया लगेगा, सांकेतिक रूप से कुछ लगना चाहिए, तो उस रूप में 100 रुपया लगने का कर दिया गया है, मात्र निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी, यानी दोनों में 500-500 रुपया। अब उसके बाद अब लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दाखिल कारिज को अद्यतन करने का अभियान चलाया गया है, हर तरह से जो आपका जो है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि दफल कब्जा प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई शुरू की गई, हर तरह से भूमि विवाद का जितना भी समस्या का समाधान हो हमने तय कर दिया। हर सप्ताह जो आपके हर सप्ताह में अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी, हर 2 सप्ताह पर 15 दिन में जो SDO हैं और DSP हैं, और 1 महीने में 1 बार DM और SP या SSP, ये बैठ करके एक एक काम की समीक्षा करेंगे। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है। और आप क्या नहीं हम लोगों ने काम किया, जो आप जानते हैं कि लोकायुक्त अधिनियम हम लोगों ने बनाया 2011 की परिधि में, और इसमें लोकायुक्त जो अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम बना है, पहले कवर्ड नहीं थे, अब एक एक आदमी कवर्ड है, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी उसमें कवर्ड किए गए, ये तो हम लोग किए हैं भाई, ये सब काम किया है ताकि हर तरह से क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, एक एक चीज पर पूरे तौर पर ध्यान रखा जाए। तो हम लोग सब कुछ इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं और
सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहे, तो क्या हुआ है? सबको पता है ये लोग इतना दिन राज कर रहे थे, वोट तो लेते रहते होंगे, लेकिन जरा बताइए कि क्या करते थे, कब्रिस्तान का क्या हाल था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कर पाते थे? और हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना पूरा सर्वे कर लिया और सारा कब्रिस्तान जो निकल गया 8064, 6299 की घेराबंदी की जा चुकी है। मंदिर में चार दीवारी का कितना चीज का, मूर्ति का और बाकी चीजों का चोरी होने लगा, होते रहा था, अब हम लोगों ने उसकी रक्षा के लिए उसकी घेराबंदी, इसके लिए 377 योजनाओं में से 226 मंदिरों में चार दीवारी निर्माण कार्य पूर्ण, 112 पर कार्य जारी है और 48 प्रक्रियाधीन है। तो एक एक चीज हम लोग, एक एक काम, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, हर प्रकार से एक एक काम के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। और ये तो हो गया विधि व्यवस्था, और हर प्रकार से समाज में अपराध पर भी हो कार्रवाई, और जो लोग करते हैं गड़बड़ करके कमाने की कोशिश करते हैं, करप्शन और फिर कम्युनलिज्म, आपस में झगड़ा धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कराना, तो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म तीनों के ऊपर हम लोगों का जो ध्यान है उसके चलते जो काम करते हैं। और क्या क्या हुआ भाई, भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो क्या हुआ था, तो हम लोग आए तो और दोबारा जांच करा करके जो कुछ भी कार्रवाई कराई गई, इसकी चर्चा हम आएंगे बाद में करेंगे, लेकिन हर प्रकार से इस पूरे बिहार में हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके अलावे विकास का काम, अब क्या था जी, पथ कहां था, कहां था रोड, कितना रोड था और किस प्रकार का रोड था, हम तो सबको बताते हैं, और सब लोग भूलिएगा मत, हम तो नई पीढ़ी के जानने के लिए बताते हैं। हम सांसद थे और अपने क्षेत्र में घूमते थे, एक दिन में औसतन 12 किलोमीटर पैदल चलते थे, याद करिएगा, और यही काम हमसे भी ज्यादा कोई और लोग घूमते थे, उसी तरह से लोगों के बीच में जाकर के संपर्क करने के लिए, कहां था सड़क ही, और कौन से सड़क की स्थिति थी, सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क, ये स्थिति थी। और आज क्या हो गया सड़क का, अब लोग आजकल बोलते हैं कि सड़क टूट गया, अरे बाढ़ आ गया, प्रकोप आ गया, कुछ भी हुआ तो कोई चीज होगा तो उसका उपाय न किया जाएगा, उसको मरम्मत किया जाएगा ना, उसको ठीक न किया जाएगा। लेकिन आप जरा बताइए कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण हुआ, हमको जब काम करने का मौका दिया, हमने लक्ष्य रख दिया कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज इलाके हैं वहां से भी चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और लगभग जब वो पूरा हो गया तो अब हमने क्या लक्ष्य रख दिया है, 5 घंटे का। अब इसके लिए कितना पुल, सड़कों का चौड़ीकरण, नए सड़कों का निर्माण, कितना काम हो रहा है, केंद्र की तरफ से भी कई योजनाएं, नेशनल हाईवे का है, लेकिन राज्य की तरफ से भी कितना काम हो रहा, स्टेट हाईवे और सड़कों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए 2005 से लेकर के अब तक 6047 पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें 18 मेगा पुल शामिल, बड़ी संख्या में इसके अलावे पुलियों का निर्माण किया गया। और पथ निर्माण विभाग में 2005 से अब तक राज्य योजना के अंतर्गत कुल जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो खर्च किया गया है 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई पथ के निर्माण के लिए। और हमने तो नियम बना दिया, सिर्फ पथ का निर्माण नहीं, उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस नियमित रूप से होना चाहिए। और अब तो उसको लोक शिकायत अधिकार कानून में भी डाल दिया है कि अगर कहीं पर कोई सड़क है उसका अगर कोई मरम्मत नहीं करेगा, कोई शिकायत करेगा, उसको तो ठीक किया ही जाएगा, इसके लिए जो जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं, उस तरह से पुल के मरम्मत के लिए, हर चीज के लिए नियम बनाना, मार्गदर्शन देना, उसके लिए संसाधन का प्रबंध करना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था भाई, अब उसकी स्थिति जान लीजिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति,
हम तो सब साथियों को कहेंगे कि नई पीढ़ी वालों को बताइए, वो बच्चे थे उनको पता नहीं था, अब आज 18 हो गए, 19 हो गए, एक एक बात पुराना बताइए। और ये बहुत जरूरी है, अगर ये चीज लोग नहीं जानेगा तो फिर गड़बड़ लोगों के चक्कर में अगर पड़ जाएगा तो फिर जितना काम हम लोगों ने किया सब ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको एक एक काम को करना, एक एक काम को देखना, हमने पूरा का पूरा समय लगाया, हमारे साथियों ने समय लगाया और तब ये सब काम हो रहा। ग्रामीण सड़क क्या था जी, ग्रामीण सड़क पे पहले कितना था? ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़कों की लंबाई मात्र 835 किलोमीटर थी हम लोगों के आने के वक्त तक, और अब कितना हो रहा है अब जान लीजिए, 2005 से अब तक 96,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 52,480 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6,795 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 33,399 किलोमीटर, ग्रामीण टोला संपर्क योजना के निश्चय योजना के अंतर्गत 3,826 किलोमीटर, और इसके अलावे 18,838 किलोमीटर सभी प्रकार की ग्रामीण सड़कों पर काम जारी। अभी कुछ ही दिन पहले इसके बारे में पूरा विस्तार से उन सड़कों का उद्घाटन हो रहा था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, हमने एक एक बात बताई। और ग्रामीण सड़कों पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। अब ग्रामीण जो टोला संपर्क निश्चय योजना है, इसमें 4,643 टोला थे, हम लोग तो हर गांव को सड़क से जोड़ना है जोड़ दिया, लेकिन उसमें बाद में पता चला, यहीं पर बैठे हुए विजय बाबू, इन्होंने इस बात को रखा और कहा कि भाई कई टोले हैं, वो गांव उसका नाम नहीं है तो वहां पर सड़क नहीं जाता है। और सचमुच उसका आकलन हम लोगों ने किया, सब गरीब गुरबा तबका के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग वैसे टोलों में, गांव उसका अलग नाम नहीं है, टोला है, गांव को जोड़ दिया वो रह गया, लोगों को कितनी तकलीफ। तो हम लोगों ने 7 निश्चय में इसको भी डाला, ग्राम टोला संपर्क योजना, तो इसको टोला संपर्क निश्चय योजना किया, और जिसके लिए किलोमीटर हम आपने आपको बता दिया, लेकिन यह है 4,643 टोला, और अब तक 4,457 टोला में पथ का निर्माण की संपर्कता दी गई है और 186 टोला बचा हुआ है जिस पर अंतिम रूप से अंतिम चरण में काम चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सड़क का ये स्थिति, अब एक एक बात आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जो मुख्य सड़कें हैं उसके बारे में, ग्रामीण की सड़कें हैं उसके बारे में, तो ये सब काम जो किया है और पहले क्या था, लोगों को ये जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। हमारे विजेंदर बाबू बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, अब आप बताइए क्या स्थिति थी भाई बिहार की, कौन सा हाल था बिहार में, कहां बिजली थी, कितनी बिजली थी, मात्र 700 मेगावाट का खपत, और हम लोगों ने उस पर जो काम करना शुरू किया कि कैसे हम बिजली को सब जगह पहुंचाएं। और याद है ना 2012 में 15 अगस्त को हमने भाषण देते हुए गांधी मैदान में कहा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने कहा था कि हम बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, सब चीजों का विश्लेषण बता रहे थे, लोगों के बीच में हम देते रहते हैं हमेशा वैसे अवसर पर, अपना काम का हिसाब बताते रहते हैं लोगों के बीच, तो हमने बताया कि सुधार तो बहुत हुआ है, लेकिन जान लीजिए अगर हम पूरे तौर पर सुधार नहीं कर पाएंगे तो हम 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और सुधार हुआ, और 2015 के लिए जो 7 निश्चय हमने घोषित किया उसमें क्या कहा, हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, और ये बिहार यूनिक राज्य बना हर घर बिजली का कनेक्शन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और आपको मालूम है लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 2018 का 31 दिसंबर तक, और मैं विजेंदर बाबू को और इनके सभी डिपार्टमेंट को सबको मैं बधाई देता हूं, ये काम इन लोगों ने 2 महीना 5 दिन पहले पूरा कर दिया, 25 अक्टूबर को पूरा हो गया और हर घर को जोड़ दिया गया। अब उसके बाद और भी जितने लोग घर बनते हैं आते हैं सबको मिल रहा, और लोगों को भी मिल रहा, तो इस तरह से हर घर को
बिजली का जो हम लोगों ने रुका, अभी घर में बिजली आ गया, तब लालटेन का जरूरत नहीं ना है जी, अब बिजली तक घर घर में पहुंच गया। अब पहले लोग लालटेन और ढिबरी यही सब पर न रहता था, अब आजकल सबके घर में बिजली पहुंच गया, तो उसका समय ही खत्म हो गया, अब किसी को आवश्यकता ही नहीं रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया है, सब लोगों को, इच्छुक परिवारों को तो बिजली का कनेक्शन दे दिया, लेकिन जिस दिन हर घर बिजली का कनेक्शन का काम पूरा हुआ, उस दिन जो ये कार्यक्रम था, उसी दिन मैंने ऊर्जा विभाग को कहा कि भाई अब इसके बाद एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारे जितने जर्जर तार हैं उनको बदल देना चाहिए। और मुझे खुशी है 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था और सब जर्जर तार बदल दिया गया, एक एक जर्जर तार बदल गया। अब आप सोच लीजिए, आप इसमें जो तार को बदला गया है, क्या खर्च हुआ बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों में 2005 से लेकर के अब तक 48,678 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये खर्च करके हम लोग सब काम किए। अब आप समझ लीजिए, उपभोक्ताओं की संख्या जो पहले थी 700 मेगावाट, मात्र उपभोक्ता की संख्या थी 24 लाख, और अब उपभोक्ता की संख्या है 1,61,82,000। अब उपभोक्ता इतने हैं, कितना गुना है जरा जोड़ लीजिए, ये बताइए लोगों को कि कहां से कहां गया। और लोगों को तो कुछ चीज का है नहीं, ऐसे ही कुछ कुछ बोलना है, इसलिए हम एक एक बात बता देते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा, डेडिकेटेड फीडर कृषि के लिए। अब ये हम लोगों ने तय किया, जो भी इच्छुक किसान है उनको हम बिजली का कनेक्शन देंगे, और उनको बिजली का कनेक्शन बड़े पैमाने पर हम लोगों ने दिया, 1,42,453 किसानों को दिया जा चुका, और बाकी को देने के लिए और विद्युत फीडर की जरूरत है, और इसके लिए सरकार ने 1,329 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत कर दी है। यानी जितने इच्छुक हैं सबको बिजली पहुंचा दें। तब बिजली के क्षेत्र में तो एक एक काम किया, और डीजल के लिए भी भाई, पहले डीजल से ही पटवन होता था, तो हम लोगों ने कितना रखा है, 1 लीटर पर ₹60 बोलिए कंसेशन हम लोगों ने दिया है लोगों को। लेकिन इसके बाद भी अगर लोगों को बिजली, अब लोगों को सिंचाई में ₹100 की जरूरत होती थी, तो अब ये जो बिजली का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं तो उनको खर्च ₹100 की जगह पर ₹5 से भी कम होना। तो आप समझ लीजिए, लोगों के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कहने के लिए लोग चाहे जितना चाहे उतना कहते रहे, तो चाहे बिजली का हो, इसके लिए हो जाए, जो भी काम हो जाए, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, इसके बारे में बता दिया। और शिक्षा के मामले में क्या था भाई, ये लोग जो बहुत बोलते रहते हैं, क्या था पढ़ाई, लोग चाहते थे कि लोग पढ़े, लोग पढ़ेगा तो सोचेगा ना, तो ये लोग को पढ़ाने में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। और आप जान लीजिए, जब हम लोग आए हमने सर्वे कराया, हम तो भाई जन प्रतिनिधि थे, अपने क्षेत्र में घूमते थे, लोगों का तकलीफ देखते नहीं थे, और हम भूल नहीं सकते, हम टाल के इलाके में थे मोकामा क्षेत्र में, और हम उस बच्चे का चेहरा आज तक नहीं भूलते। जब हम एमपी के रूप में घूम रहे थे तो एक बच्चे ने कहा, उसकी उम्र 8 साल 9 साल की होगी, जब उसने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं तो देखते रह गया, क्यों नहीं, स्कूल नहीं है कि मास्टर साहब नहीं है, क्या है, परेशान हुए, उस चीज को भूलते नहीं थे। यहां आने का मौका मिला तो क्या काम करना शुरू किया, 12.5% लोग स्कूल से बाहर रहते थे, कितना स्कूल बनवाया, स्कूल में कितने भवनों का निर्माण कराया, और ये सब काम शिक्षा समिति के माध्यम से करवा दिया। कहां गांव में जाते थे तो पता चलता था कि कहां पर स्कूल है, अब आप किसी गांव में जाइए तो पता चलेगा कि यहां पर स्कूल है। अब 72,000 से भी ज्यादा, और कितने टीचर्स का रिक्रूटमेंट करवाया हम लोगों ने, क्या क्या नहीं किया है, 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट कराया बच्चों के पढ़ने के लिए, और कौन कौन चीज का अध्ययन हम लोगों ने नहीं करवाया।
हमने देखा कि भाई जरा अध्ययन करें कि कौन बच्चे स्कूल और बच्चियां स्कूलों से बाहर रहते हैं, कौन लोग हैं। जब अध्ययन कराया तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे उनको पढ़ा पढ़ा करके आगे वाले स्कूल में भेजने का सिलसिला शुरू किया। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इस काम के लिए लगाया, 30,000 के करीब। कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की। और लोग कुछ भी बोलते हैं, ये भूलने वाली बात है। जिस तरह से काम किया गया, स्कूलों को का निर्माण किया गया, स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध किया गया जो बाहर थे, और हमने उस समय आकलन किया 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे क्योंकि 6ठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए, देने की स्थिति में माता पिता नहीं रहते। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई और उसके बाद कैसा दृश्य उपस्थित हुआ, लड़कियां कितनी संख्या में जाने लगी मिडिल स्कूल। फिर जब हमको लगा कि सिर्फ हम मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, हमने हाई स्कूल का अध्ययन किया। पूरे बिहार में 9वें क्लास में अपने बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम। और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। कहां लड़की साइकिल चलाती थी, पटना में और शहर में भी नहीं चलाती थी। और गांव गांव में लड़कियां जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य हुआ, कितना मनोबल ऊंचा हुआ। कुछ लोग उस समय मेरी आलोचना करते थे कि अब गड़बड़ होगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, हर परिवार के लड़की को मिल रहा है। क्या दृश्य आया, कैसा सुंदर दृश्य आया, कितना लोगों में आत्मबल पैदा हुआ, मनोबल ऊंचा हुआ। और ये जब शुरू हो गया तो लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बढ़ने लगी। और उसके बाद जान लीजिए, जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में, तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आज आप समझ लीजिए, जो लड़की की संख्या उतनी कम रहती थी, आज इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई है, लड़की की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा हो गई। अब आप बताइए, इतना ज्यादा विकास, इतना ज्यादा काम, लड़कियों की शिक्षा, एक एक चीज सब पढ़ने का तो हर तरह से हम लोगों ने किया है। और इसके बाद आप जान लीजिए, जो हम लोग काम करते रहते हैं, ये जो आप जान रहे हैं बिहार का प्रजनन दर कितना ज्यादा था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, यहां का प्रजनन दर था, पति पत्नी के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं, प्रजनन दर 4.3, अब तो घट के हो गया 3.2 हम लोगों के कार्यकाल में। लेकिन हमने सोचा कि भाई ये प्रजनन दर इतना ज्यादा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, और जितना ज्यादा आबादी का घनत्व तो बिहार का है, ये पूरे देश में कहीं नहीं, संभवतः दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व तो बिहार में। और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि कैसे ये घनत्व घटे, प्रजनन दर घटे। और उसके लिए हमने आकलन करवाया और उस समय पता चला कि अगर पूरे देश में पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश का औसत 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 है, और पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो पूरे देश का औसत में था उस परिवार का प्रजनन दर 1.7, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर निकला 1.6। तो मेरे मन में यूरेका की भावना आई और उसी समय हमने सोच लिया कि हम पूरे अपने राज्य में हर लड़की को इंटर तक पढ़ाएंगे, 12वीं तक पढ़ाएंगे। और हमने उसी समय तय किया कि हमारे जितने ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना उससे अब इसी का नतीजा देख रहे हैं। अभी तो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बचा हुआ था उन जगहों पर करीब से 1304 पंचायत जो बच गया था वहां पर 9वें की पढ़ाई शुरू करने का 1 अप्रैल से प्रबंध हो गया था, लेकिन कोरोना के चलते इंतजाम हो गया अभी नहीं, और धीरे धीरे वहां भी पूरे तौर पर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। तो हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, भूल जाते हैं, ये भूलने वाली बात है, क्या स्थिति थी। अब यह बात सही है
सब लोगों की इच्छा है पढ़ाई बढ़िया से हो, तो हम तो सभी शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि भाई ठीक से पढ़ाइए। हम लोग तनख्वाह उनका तो बढ़ाने के लिए काम करते ही रहते हैं, चाहे जो भी करे। इस बार भी निर्णय किया, हर तरह की सुविधा का निर्णय किया, और आप सोच लीजिए, और बच्चे बच्चियों की अब पढ़ाई होगी, उनमें जो जागृति आएगी तो कितना अच्छा काम होगा। और यही नहीं, पढ़ाई के सिलसिले में हमारे बांका में वहां के डीएम ने एक उन्नयन बांका शुरू किया था, जो स्कूल से बच्चे बाहर रह जाते हैं, बच्चियां बाहर रह जाती हैं, उस उन्नयन बांका का बहुत फायदा हुआ। हम देखने के लिए गए और वहां पर देख करके हमने कहा कि दो विषय कर रहे थे, हमने कहा सारे विषयों का करो, और जो काम वहां शुरू हुआ हमने पूरे बिहार में कहा कि इस स्कीम को लागू कीजिए। अब उस स्कीम को लागू किया गया। अब तो इधर आ गया कोरोना का दौर, वो एक अलग बात है, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में जाएं।